मैं फरमान खान टाइपिंग मास्टर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारी इस एक्सरसाइज में 413 शब्द हैं, जिसे 80 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से बोला जाएगा। एक्सरसाइज की शुरुआत होगी। संतोष का विषय है कि जिस हड़बड़ी में 24 मार्च को तालाबंदी घोषित की गई थी, वही हड़बड़ी तालाबंदी उठाने में नहीं दिखाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले सभी मुख्यमंत्रियों से बात की, उनके सुझाव मांगे और अब सरकार तालाबंदी का अपना नकाब आहिस्ता आहिस्ता उठा रही है। भारतीय लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है कि आज जब तालाबंदी के सवाल पर दुनिया के अत्यंत संपन्न और सुशिक्षित राष्ट्रों में जबरदस्त जन प्रदर्शन और हिंसा भी देखी जा रही है, यहां लोग सरकारी निर्देशों का पालन आंखें नीचे कर रहे हैं। करोड़ों प्रवासी मजदूर घर वापसी के समय लोमहर्षक यंत्रणाओं का सामना कर रहे हैं। छोटे दुकानदार लगभग दिवालिया हो गए हैं, उनके कर्मचारी अन्य क्षेत्रों की कतार में लगे हैं और कल कारखाने मजदूरों के अभाव में ठप पड़े हैं। फिर भी निर्देशों का पालन हो रहा है। सबसे अच्छी बात, राज्यों को यह तय करने का अधिकार दिया जाना है कि उनके किन किन जिलों या क्षेत्रों में उन्हें कैसे कैसे प्रतिबंध लगाने हैं। रेलें, बसें, हवाई जहाज और मेट्रो ट्रेनें धीरे धीरे पूरी तरह खुल जाएंगी तो करोड़ों लोगों को आवागमन की सुविधा हो जाएगी। जो प्रवासी मजदूर अपने कारखानों और दुकानों पर वापस आना चाहते हैं, उन्हें अब सैकड़ों मील का रास्ता पैदल तय नहीं करना होगा। और इसी प्रकार स्कूल और कॉलेज भी कुछ एक हफ्ते बाद खुलने लगेंगे, लेकिन धार्मिक स्थलों को खोलने में जल्दबाजी करने की जरूरत क्यों है, यह मेरी समझ में नहीं आता। भगवान की भक्ति एकांत में जितनी अच्छी होती है, उतनी क्या भीड़ भड़के और शोर शराबे में हो सकती है। सिख गुरुद्वारे तो अपवाद हैं, लेकिन हमारे मजमेबाज साधु संत पंडित पुरोहित और गुरु घंटा लोग कहाँ छिपे बैठे हैं। वे भूखों को भोजन करवाने और भटके हुओं को उनके घर पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं। बहरहाल अगले एक महीने में अलग अलग क्षेत्रों में धीरे धीरे पूरी ढील देने की बात सरकार कह रही है, लेकिन पूत के पग पालने में ही दिखाई पड़ने लगे हैं। ढील की घोषणा के साथ ही यह भी पता चल रहा था कि कोरोना का प्रकोप अब सबसे तेज हो रहा है। एक ही दिन में 8380 नए मामले सामने आए। सारे मामलों की कुल संख्या 1,85,000 तक पहुंच गई और मरने वालों की संख्या 5,000 तक। अभी जमकर गर्मी पड़नी शुरू भी नहीं हुई है और मई के आखिरी तेज दिनों में ही 90,000 लोग संक्रमित हो गए हैं। यह ना भूलें कि भारत में अन्य रोगों से मरने वालों की संख्या रोज 20 से 25,000 तक
होती है। समाप्त।